मैं सबसे ज़्यादा खुश था जब मेरे पिताजी राष्ट्रपति जी से बात कर रहे थे, क्योंकि वो बातूनी थे मेरे पिताजी और बहुत बात करते थे। कम से कम इनको ये दिन मैं दिखा पाया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो जब पद्मा अवार्ड आपको मिला तो व्हाट वाज दैट फीलिंग, बिकॉज इट्स अ नेशनल रिकॉग्निशन। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मैं आपको सच में बताऊं, मुझे एक तो मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं पद्मश्री रामनाथ कोविंद ने आप नहीं रामनाथ कोविंद से ज़्यादा मेरे पिताजी उस समय मौजूद थे मेरे मेरे और मेरी पत्नी के साथ वहाँ पर। और मेरी माता जी को उस समय उनका ऑपरेशन हुआ था तो वो हॉस्पिटल में थी और वो नहीं आ सकी थी, लेकिन मेरे पिताजी को इन सब चीज़ों का बड़ा शौक था उनको, तो उनको मैं वो मेरे कारण उन्होंने वो दिन देखा वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में जा कर के वो बैठे और उन्होंने जो है पूरी मिनिस्ट्री को वहाँ आते देखा, प्रधानमंत्री आते हुए देख रहे थे। मैं जानता था कि एक किसान के मन में ये क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी, तो मैंने मुझसे ज़्यादा मैं उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि आज जो इनको खुशी मिल रही है यहाँ बैठ करके, मेरी खुशी उसके सामने बहुत छोटी है। अगर मेरे कारण इनको मिल रही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इनको ये दिन मैं दिखा पाया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इट मैटर्ड अ लॉट टू मी बिकॉज ही वाज। उन्होंने क्या कहा फिर आपको जब द सेरेमनी वाज ओवर? नहीं, उन्होंने बात किया, राष्ट्रपति जी से बात किया, प्रधानमंत्री जी से बात की, जब सब लोग वो सारे अवार्डीज के पास से गुजरते हैं वो लोग बात करते हैं तो जिस तरीके से कैसे हैं, मेरा नाम ये है, और मैं उनकी जो पूरे इनसेंस है जो एक फार्मर का वो मैं और गांव वाले का वो मैं देख रहा था कि किस इनसेंस के साथ वो बातचीत कर रहे थे। क्या कहा राष्ट्रपति ने, उनसे बात की? नहीं नहीं, वो बात कर रहे थे कि देखिए आपको आपको गर्व महसूस हो रहा है ना आपके बेटे ने जीता, तो मैंने अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे पिताजी बात करें, चाहे वो राष्ट्रपति जी हों या प्रधानमंत्री जी हों, वही बात करें और उनको ये अनुभव हो कि मैंने राष्ट्रपति जी से, मैंने प्रधानमंत्री जी से, मैंने रक्षा मंत्री जी से, मैंने सारे मिनिस्टर से बात किया। मैं चाहता था कि वो बात करें, क्योंकि वो बातूनी थे मेरे पिताजी और बहुत बात करते थे, अपने इनोसेंस बहुत ही इनोसेंट टॉक करते थे, बट उनको वो सारे इनोसेंट टॉक्स जो उनके मैं थोड़े से दूर से सुन रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। इट्स अ टचिंग मोमेंट है ना, मोर देन दैट, आई मीन टचिंग मोमेंट से ज़्यादा मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी का समय था। अगर आप मुझे कहें कि सबसे ज़्यादा खुश आपका, सबसे ज़्यादा खुश था जब मेरे पिताजी राष्ट्रपति जी से बात कर रहे थे। हाँ।